शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता नीमच के लॉयंस टेन में आयोजित की गई। उज्जैन संभाग के अंतर्गत तमाम जिले के चयनित स्कूल की 7 टीमों के 300 जूडो कराटे खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें 14, 17, 19 आयु वर्ग के विभिन्न वजनों के कुल 51 कैटेगरी के बालक बालिका सम्मिलित हुए। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी प्रथम स्थान पर चयनित होंगे वे उज्जैन संभाग टीम का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि धार कुक्षी में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर को आयोजित होगी उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। आज के मुकाबले काफी रोचक रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी सी के शर्मा और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक भरत सिंह कुमावत रहे। मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है सर, मैं मंदसौर से आया हूँ। मैं यहाँ जूडो का मैच हो रहा है, मैं अंडर 19 में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और ये डिवीज़न लेवल का जूडो का मैच है, मैं खेलने आया हूँ यहाँ पे। सर इस साल देवास की है, शाहजहाँपुर की है, सीतामू की है, मंदसौर की है और दलोट की टीमें हैं, गरोड की टीम, सब जगह की टीमें हैं सर। शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो भी जिले हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाहजहाँपुर, आगर, देवास, उज्जैन, सभी जिलों के बालक बालिका 14, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग के विभिन्न वजनों में ये प्रतियोगिता हो रही है। कुल 51 वेट कैटेगरी में आयोजन हो रहा है। इसमें सभी जिलों से चयनित टीमें आज यहाँ आई है। पहले जिला स्तर पर कॉम्पिटिशन हुए थे, वो सभी चयनित हो गए, आज यहाँ संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वे सभी उज्जैन संभाग स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि धार कुक्षी में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होगी उसमें उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज काफ़ी अच्छे रोचक मुकाबले हुए। आज प्रतियोगिता का जो सुबह शुभारंभ है माननीय जिला शिक्षा महोदय श्री सीके जी शर्मा और शासकीय बालक उमावी के प्राचार्य ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव की उपस्थिति में हुआ और सभी मैचेस काफ़ी रोचक और कड़े मुकाबले वाले हो रहे हैं और कोविड के 3 साल बाद ये पहली प्रतियोगिता है संभाग स्तर की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी मैचेस काफ़ी अच्छे आयोजित हो रहे हैं। कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? कुल 7 टीमों के लगभग 300 से 350 खिलाड़ी यहाँ प्रतिभागिता कर रहे हैं। कितने दिन चलेगी ये? 2 दिवसीय, लेकिन आज ही प्रतियोगिता सम्पन्न हो जाएगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।